हैदराबाद में कुदरत का कहर, कई इलाकों में दिखे बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, डूबती दिखी गाड़ियां, बेमौसमी बरसात होना और ऊपर से लोगों की जान पर बनाना बहुत बड़ी बात है। देश के कई हिस्सों में बारिश जारी है, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश से आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहीं रुख अगर हैदराबाद का करें तो वहां स्थिति काफी ज्यादा खराब है। यहां बारिश ने कहर मचा रखा है, कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं और कई इलाके तो यहां बारिश से मानो डूब ही गए हों। इतना ही नहीं, हैदराबाद में तो बारिश से कई लोगों की जान तक चली गई। नदियों में तब्दील हुए सड़कें, तेलंगाना में हैदराबाद समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहां भारी बारिश के कारण सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। अब तक बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिली है। हैदराबाद में बारिश के बाद मची तबाही की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जिससे यहाँ के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे सड़कों पर बुरी तरह से पानी भरा हुआ है और लोगों को नाव की मदद से बचाया जा रहा है। कहीं पेड़ के नीचे गाड़ी दबी हुई है तो कहीं गाड़ी पानी में ही डूबी हुई है। मुंबई में भी बारिश का रौद्र रूप, हैदराबाद के बाद अब मायानगरी मुंबई में बारिश ने तबाही मचाई है। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे समेत कई इलाकों में बुधवार की रात मूसलाधार बारिश हुई और पूरा शहर पानी से भर गया। मुंबई और पुणे में रात भर जमकर बारिश हुई है और सड़कों गलियों में घुटनों से अधिक तक पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि एक शख्स को बहते देखा गया, मगर लोगों की मदद से उसे रेस्क्यू कर लिया गया। पुणे और मुंबई में लोगों के घरों में पानी घुस गया। हैदराबाद की तरह ही मुंबई और पुणे में जल प्रलय सा नजारा देखने को मिल रहा है। स्काईमेट ने भी दी चेतावनी, इस तरह की बारिश की चेतावनी स्काईमेट द्वारा भी दी जा चुकी है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को गहरे दबाव में बदल गया। इसके कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत आसपास के अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, गजपति, गंजाम, कोटापुट, रायगढ़, मलकानगिरी और पुरी में भी भारी बारिश की आशंका दर्शाई गई थी। यहां जिसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।